नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज़। और आज मैं जनता की आवाज़ को लेकर उपस्थित हूं मेदिनीनगर समाहरणालय के समक्ष, जहां पर पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों से सहिया, जो जलसहिया हैं, वो उपस्थित हुए अपने मानदेय को लेकर। और जैसा इनके हाथों में जो एप्लीकेशन है, जो उपायुक्त को ये देने आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, चूँकि अभी कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं कर रहे हैं, और आचार संहिता को देखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो हमारी मानदेय है वो कम से कम दिलाई जाए। और इसमें जो दर्शाया इन्होंने कि इनका लगभग 3 साल 1 महीने यानी करीब करीब 37 महीनों से इनको जो है वेतन नहीं मिला है, और ये किस स्थिति में अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं और लाचार हैं। जो इस लेटर में इन्होंने दिखाया कि पूरे झारखंड के लिए, जलसहिया के लिए, पूरे झारखंड के जलसहिया के लिए करीब करीब 110,24,91,000 रुपये का सैंक्शन हुआ है, लेकिन पलामू में जो जलसहिया हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग 6,95,19,000 जो राशि है, 16,000 जो राशि है वो इनको देनी है, जो अब तक इनको सरकार ने मुहैया नहीं कराया है। कहीं ना कहीं ये विभाग जो है, माननीय मिथिलेश ठाकुर मंत्री जो है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, चूँकि ये पूरे वर्ष कहीं ना कहीं जनता का ख्याल करते हैं और जल जीवन पे काम करते हैं, स्वच्छता अभियान पे काम करते हैं, और आज इनको वेतन के लिए उपायुक्त के पास निवेदन करना पड़ रहा है कि मुझे वेतन दिलाई जाए। जो जलसहिया पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं जल की व्यवस्था को लेकर हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हैं, उनके साथ आज ये नाइंसाफ़ी हो रही है। हम बात करेंगे, क्या नाम है मैम आपका? मेरा उषा देवी नाम है। आप लोग जो आज यहाँ आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आचार संहिता है, आप लोगों ने बताया कि आचार संहिता को देखते हुए हम लोगों ने कोई हल्ला हो हल्ला नहीं किया है, लेकिन उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपने आए आप, तो क्या ज्ञापन के जरिए आप क्या उपायुक्त को संदेश देना चाह रहे थे? 2019 में हम लोग मार्च का लागू हुआ था 1,000 रुपया, जो हम लोग को 2-3 महीना मिला जी। फिर 2022 में हम लोग का बंद कर दिया, जो रघुबर का ये हेमंत का सरकार आया। मेरा कहना यही है सर कि जलसहिया जितने भी पलामू जिला की हैं उसमें से कुछ का पैसा मिला और कुछ का बकाया रह गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? काम तो हम सभी जलसहिया करते हैं, जितना भी कार्य हम लोग को मिला जाता है हम लोग बखूबी करते हैं, पूरा मन तन मन लगा करके करते हैं, और हम लोग आस भी करते हैं कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो काम के बदले हम लोग को दाम दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है सर। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, इसी को लेकर के हम लोग DC सर के पास आए हैं कि हम लोग का जो बकाया मानदेय है हम लोग का भी भुगतान कर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों ने जो मांग किया है वेतन के लिए, चलिए वो तो जायज है, चूँकि आप कहीं ना कहीं आज बता रहे हैं कि 3 साल लगभग हो गया और अब तक पैसा नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है। आप पहले ये बताइए कि आप लोग करते क्या है, जलसहिया का काम क्या है? जलसहिया के काम है, मेरा नाम फुलवा देवी, छतरपुर प्रखंड से आई हूँ। मेरा नाम जलसहिया के काम है सर कि शौचालय बनवाना, शौचालय करवाना, नाइडे बनवाना, जल जो है कहीं गहरी में है वो साफ करवाना, या स्कूल में जाइए स्कूल में लइकन को हाथ धोलवाना, हर महीना में 1-2 बैठक करवाना, मान के चलिए कि हर घर घर जा जा के उन लोगों जो सोच करते हैं सोच के लिए उन लोग के जागरूक करना कि शौचालय में जाके आप लोग सोच कीजिए। जलसहिया के यही काम है सर, और यही काम है हम लोग के चयन किया गया था 2011 में, तो 2011 से हम लोग ऐसे ही बिना प्रोत्साहन के काम करते रहे। इस बीच में जब हमारी सरकार आई, रघुवर सरकार आई, तो 2019 में हम लोग के 1,000 मानदेय लागू किए, वो जो मानदेय लागू किए सर तो 5-4 महीना लगभग मिला, जब हेमंत सरकार बने तो हटा के फिर हम लोग के प्रोत्साहन पर ला दिए, प्रोत्साहन पर ला दिए, तो प्रोत्साहन में भी काम करिए हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग के प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है। हम लोग अपना घर से पैसा लगा के सर खंड डाल्टनगंज जाएंगे घर, जब हम लोग के जनता के जागरूक भी करना है तो छतरपुर मीटिंग है या कहीं मीटिंग है, तो हम लोग के अपना पैसा लगा के, जो कि हम लोग 1 रुपया मैंने इन लोग नहीं देते हैं, और
इन लोग जो हम लोग के फंड भी जो आता है एनजीओ के माध्यम से इन लोग करवा लेते हैं। अभी जल्दी में जो नाइडे पोगरा के काम आया, हम लोग से सारा ग्राम सभा आम सभा सारा चीज़ करवा लेते हैं सर, और हम लोग के करवा के और एनजीओ के दे देते हैं सर, एनजीओ द्वारा काम करवाते हैं। और हम लोग के खाली का करेंगे कि जाएंगे कहेंगे कि मैडम से फलना ठैया शौचालय बन रहा है, नाइडे बन रहा है, आप लोग मोहर लगा दीजिए, साइन कर दीजिए। सर हम लोग एकदम अंति अतत माने परेशान हैं सर पीआईडी विभाग से, और हमारी सरकार भी देखिए कि जब सब कोई के मानदेय लागू हो गया सर, हम लोग के आंगनबाड़ी के देखिए हो गया सर, सहिया दीदी को हो गया, सेवका दीदी के हो गया, जहाँ तक स्कूल में जो दाई दीदी हैं उनको हो गया, लेकिन हम लोग इतना गंदगी काम करते हैं जो कि दूर दूर ये कचरा साफ करवाते हैं, हम लोग के मानदेय नहीं लागू होता है, ना हम लोग का जो प्रोत्साहन है वो भी नहीं मिलता है सर। हम लोग लाचारी, अभी जो 37 महीना के मानदेय आया हम लोग के सर, तो हम लोग के यहाँ से आदेशा मिला कि आप लोग एक सप्ताह के अंदर फॉर्म भर दीजिए सर। हम लोग 7 तारीख से फॉर्म भरे, पूरे पलामू 7 तारीख को फॉर्म जमा कर दिए। इन लोग क्या किए कि जब 30 तारीख हुआ तो इन लोग हम लोग के मान दे इन लोग डालने लगे, राता राती डाले सर। कुछ जल सहिया दीदी लोग के मिला है और कुछ दीदी लोग हम लोग को नहीं गया। तो ये बताइए सर कि हम लोग जब 7 तारीख इन लोग के 7 अथी के दिए फॉर्म भर के पूरे पलामू जिला के हम लोग जल सहिया दीदी, तो इन लोग तहिना से क्या कर रहे थे कि हम लोग के 29 तारीख से 31 तारीख तक फिर मार्च क्लोजिंग में डाल दिए सर। यही हम लोग के कहना है सर, हम लोग से काम लिया जाता है और काम के बदला हम लोग कैसे ही रगेद रगेद भगा दिया जाता है। हम लोग काम करते हैं हर चीज़ सफाई करना, जहाँ तक है सर हम लोग महिला जो जहाँ पर ही लोग शौचालय वहाँ जाके अपने से झाड़ू लगाते हैं सर, घर वाली नहीं लगाएगी तो हम लोग लगाते हैं। तो बताइए सर इतना गंदगी हम लोग काम करेंगे इतना सफाई वाला और हम लोग के नहीं मिलेगा सर, तो किस भाव से हम लोग करेंगे? और हम लोग के भी तो बाल बच्चा है ना सर, हम लोग के बाल बच्चा के भी भरण पोषण होना चाहिए। अभी बहुत हम लोग आस लगाए कि चलिए 37 महीना के मिलेगा सर, कुछ दीदी लोग के मिला, कुछ हम लोग निराश होके आज डीसी सर के पास हम लोग चार संहिता भी है, चार संहिता में भी सोचे कि हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे सर को कि जो हम लोग के बकाया मानदेय है सर दिलवा देवे सर, तो बहुत हम लोग की कृपा होगी सर। इतना ही कह के धन्यवाद सर। चलिए मैं भी अपने चैनल के जरिए ये निवेदन करूंगा कि जो जिले के उपायुक्त हैं, जो सरकार ने आदेश दिया, जिस प्रकार ये लेटर में मैं देख पा रहा हूँ कि झारखंड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो 2 फरवरी को इन्होंने 2 फरवरी 2024 को ये लेटर जारी किया, जिसमें पूरे झारखंड के जलसहिया को करीब करीब 110 करोड़ 24 लाख 91 हज़ार रुपये का राशि निर्गत किया गया है, लेकिन इन तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। ये बता रहे थे कि कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों को नहीं मिला, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। आप लोग लगातार काम किए हैं, तीन साल बता रहे हैं लगातार काम किया आप लोगों ने। मेरा नाम है विमला देवी, मैं चांदपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। हमने 2011 से हम लोग को जब से चयन हुआ तब से हम लोग सारे अपना जिम्मेवारी कार्य किए, स्कूल में जाना है कि सरियों को बताना है, महामारी के संबंध में बताना है, आंगनबाड़ी में स्वच्छता के बारे में बच्चे लोग को बताते हैं, उसके अलावा हम लोग जल चपाल करते हैं, जो भी झार नल वाला एप से काम मोबाइल से हम लोग को दिया गया है वो भी हम लोग सारे काम करते हैं, और हम लोग को काम के बदले कुछ नहीं मिलता है सर। जहाँ भी मीटिंग होता है अपना भाड़ा खर्चा से हम लोग जाते हैं सभी जल सजिया दीदी, और जो भी काम है हम लोग पूरे निष्ठा ईमानदारी पूर्वक से करते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो भी हम लोग आस लगाए थे कि 37 महीना का जो मानदेय हम लोग को आया है वो भी मिलेगा, लेकिन वो भी आधे जल सजिया दीदी को मिला और आधा को नहीं मिला, जो कि हम लोग बहुत प्रयास किए। अच्छा, आधे को मिला आधा को नहीं मिला, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है सर कि वहाँ से हम लोग को कार्यपालक अभियंता द्वारा ये सौतेला व्यवहार किया गया है, क्योंकि आधे दीदी लोग को मिला, आधे को तो रिजेक्ट नहीं हो सकता है, कोई दीदी को प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन सभी को तो नहीं हो सकता है। वहाँ उन लोग को कहना है किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, किसी का पीआईडी पहले से बना हुआ है, लेकिन सभी दीदी को ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत दीदी जो गरीब हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो आस लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग जब हम लोग पूछने भी जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि जाइए, लिस्ट मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जाइए, लिस्ट हम लोग नहीं देंगे और पैसा भी अभी नहीं आया है, आएगा तो कहते हैं सर कार्यपालक अभियंता स्कूटी सर बोलते हैं। हम लोग लिस्ट लेने भी गए तो बोले कि लिस्ट अभी आप लोग को नहीं मिलेगा, जाइए जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ऐसा हम लोग को सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सर, तो हम लोग जाए कहाँ तो जाए,
अभी डीसी सर के पास आए हैं एक आवेदन देने। हम लोग आवेदन दे के अब जो होगा विचार इसी में हम लोग आगे फिर लड़ेंगे, इस छोड़ेंगे तो नहीं, आगे जितना बनेगा हम लोग सब दीदी को मानदेय दिलवाएंगे, संघर्ष करके सभी दीदी को हक अधिकार हम लोग दिलवाएंगे। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जब दावा करती है कि स्वच्छता अभियान और जल स्वच्छता मिशन की बात करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं जो रूट लेवल पे काम करती है उनका दायित्व तो होता है, काम ये करते हैं सरकार उसका जो है वो चर्चा करती है, सरकार उसकी वाहवाही लूटती है, लेकिन एक्चुअल में वो हकदार ये हैं। लेकिन इनको आज 3 सालों से मानदेय तक नहीं मिला है। मैं झारखंड सरकार के जो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि यदि आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो त्वरित एक्शन लेते हुए इनका जो मानदेय है वो रिलीज करवाएं, ताकि इनको और इनके बाल बच्चे को भरण पोषण में कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। और जो जल स्वच्छता मिशन का काम है, जो जिस पे आप स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, जल स्वच्छता की बात करते हैं, वो सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। हमारे बीच देखिए रविशंकर तिवारी जी हैं, आप लोग क्या कोऑपरेट करते हैं इनके लिए? भाजपा के सरकार में 10,000 मानदेय की घोषणा मानदेय मांगे थे, लेकिन रघुवर दास इलेक्शन के समय 1,000 रुपया घोषणा देने की घोषणा की। उसके बाद क्या हुआ कि नगर निगम को अलग कर दिया गया कि आप लोग नगर निगम में चल गए, जबकि सब 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी उलू के साथ भी शौचालय कर रहा है, जो अंग्रेज की नीति थी फूट डालो और शासन करो, वही नीति हमारे विभाग बना रहा है। कुछ लोगों को पेमेंट भी दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया, नगर निगम को किसी को 8,000 किसी को 3,000 और उस लोगों को बिठा दिया। तो हम लोगों का कहना है कि जो नगर निगम से अलग हुए, जो 2011 से अनवरत काम करते रह गए, तो जाए कहाँ, इसलिए उनको कम से कम नगर निगम में सामंजस्य किया जाए, ये मेरा विभाग के मंत्री से निवेदन होगा। तो इसमें जो ये आप लोगों ने लेटर में लिखा है कि करीब करीब पलामू की जो जल सहिया हैं उनका करीब 6,95,00,000 जो है 16,000 ये मानदेय आया हुआ है, तो ये इसमें से कितना लोगों को मिल चुका है? इसमें से कुछ 7-8 के लगभग मिला होगा, 7-8 मान ले। 11 यहाँ नगर निगम मेदिनीनगर में है, और हरियरगंज यदि हरियरगंज हुआ, छतरपुर हुआ, और मेरे रांची है, टाटा है, मैं सब जगह मनेती है। इसलिए हमारा आह्वान हुआ कि सब कोई इसको मिलकर के काम करे। नगर निगम की जल सहिया जाएगी कहाँ? 10-20 रुपये का बिस्कुट किनने का पैसा उस के पास नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचने वाला नहीं है। ये लोग घाम में तपती धूप में ये लोग जल सहिया बहने जो हैं ये खड़ा हैं, और इसको कोई किसी को नहीं, सबको एसी के मजा ले रहा है, और यहाँ गर्मी में यहाँ जल सहिया बहन दौड़ रही हैं अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके। क्या कहिएगा, ये सरकार तो आपको सरकार नाइंसाफी है, सैंक्शन कर दिया है कि आपको जो है पूरे झारखंड के लिए करीब 110 के साथ अन्याय होगा सर, तो इसका आने वाला इलेक्शन में इसका बहुत दुर्गामी परिणाम मिलेगा। इसको हम लोग जल सहिया जो है ना धरना प्रदर्शन और आंदोलन तक करेंगे। चलिए, जो बता रहे थे कहीं ना कहीं ये इस सहिया दीदी के लिए काम करते हैं और इनके साथ जुड़कर रहते हैं, आप लोग ऐसे क्या इनको सपोर्ट करते हैं? संगठन के संरक्षक हैं हम। कौन से संगठन? जल सहिया संगठन के। अच्छा, जल सहिया संगठन के। ये देखिए, नगर निगम से है, इन्होंने काफी जायज सवाल किया है। यदि ये खबरें अच्छी लगी हो, जायज लगी हो, तो मेरा निवेदन यहाँ के जिले के अधिकारी से, जो इन लोगों ने कार्यपाल अभियंता पे जो सवाल खड़ा किया है, उनसे मेरा सवाल होगा या फिर उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करते हुए इनका जो फंड है, इनका जो पैसा आया है, जो मानदेय है, वो कम से कम रिलीज कर दिया जाए। चूँकि ये बता रही हैं कि लगभग 3 साल 1 महीने यानी 37 महीनों का जो है वो वेतन इन लोगों को रुका हुआ है, और अब तक ये असमर्थ हैं अपने बाल बच्चों को सही तरीके से देखरेख कराने में। अगर ये मानदेय इनको मिलता है तो शायद ये आगे भी कंटिन्यू करेंगी और इसको सही तरीके से जो आपका जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है उसको सफल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर पासवान हुआ, झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के प्रदेश सचेतक हूँ। आज से हैं? हम हुसैनाबाद से आए हैं, हुसैनाबाद से। आज बहुत दुख की बात है कि बहुत मेहनत के बाद हम लोग बहुत प्रदेश में आंदोलन किए, धरना दिए, इसके बाद जो है से पूरी झारखंड राज्य की जल सहिया को जो है से कि मार्च 2019 में पूर्व की सरकार रघुवर सरकार ने 1,000 रुपये मानदेय के रूप में जो है से लोग के देने का काम किया था, और आज जो नए सरकार हेमंत सोरेन जी को बना, जो
उनका सरकार बनने के बाद मार्च 2022 में जलसहिया के मानदेय समाप्त करके और प्रोत्साहन राशि में बदल दिए गए। इस बदलने के बाद हम लोग लगातार आंदोलन किए प्रदेश में, मोराबादी से रांची राजभवन मुख्यमंत्री आवास तक देते रहे। इसके बाद जो है से 2 फरवरी 2024 को झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में लगभग 1 अरब 10 करोड़ रुपए आवंटन लागू की जारी किया, जो कि पलामू जिला का लगभग 6,95,16,000 रुपए हिस्सेदारी हुई। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है? दिक्कत आ रही है कि जब यहाँ 2 फरवरी 2024 को यहाँ दिया गया तो हम लोग लगातार ऑफिस के संपर्क में रहें तो बोल रहे हैं, हम लोग बोले कि किस रूप से इसको भुगतान करना है, इसका आपका क्या आदेश होगा, किस तरह से पेपर देना होगा। करने के बाद जो है से बहुत संघर्ष करने के बाद 27 फरवरी को हम लोगों ने फिर PAD ऑफिस गया, वहाँ गए तो हम लोग इस बात को रखे कि हम लोग अभी तक कुछ लेटर जारी नहीं कर रहे हैं, किस आधार पर आप पेमेंट कर रहे हैं हम लोग के बताइए, तो झूठा आश्वासन देते रहे, बताएं कि इसे हो जाएगा आप लोग के कर देंगे, आप लोग की आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद जो है से कार्यपालक अभियंता जो है से 28 फरवरी को एक प्रपत्र जारी किए, जो जलसहिया को सबको दिया गया भर करके देने के लिए, वो जारी किया, वो अपना समय दिए कि 7 मार्च 2024 तक आप सभी जलसहिया जो हैं से प्रपत्र को भर करके ऑफिस को उपलब्ध करा दें। हम लोगों ने 7 मार्च तक उपलब्ध भी कराई पूरी पलामू जिला की जलसहिया ने, सबको ला करके ऑफिस में 7 मार्च तक जमा कर दिए। जमा करने के बाद आश्वासन होते गया से कि 2 दिन में जा रहा है, 4 दिन में जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि सर आचार संहिता लगने वाला है, फिर आप लोग बाहर जाइएगा पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत और करती है जलसहिया अपनी गांव में स्वच्छता के प्रति। तो क्या लगता है क्यों नहीं कर पा रहे ये लोग, क्या लगता है? ये लोग की लापरवाही है, जलसहिया के साथ जो है से सौतेला व्यवहार किया जाता है, इनका पैसा जो है से बहुत खंड खंड भागों में बांट करके और इसको जो है से अलग तरीके से गमन टाइप का ये लोग काम करते हैं। जो उपायुक्त महोदय को आप लोगों ने क्या लेटर लिखा है? उपायुक्त महोदय के हम लोगों ने लेटर लिखा है कि हम लोग की इतना मेहनत वाली पैसा है जो 37 महीना, जो कि वो बताइए मानदेय काट करके प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया, इसके बाद भी हम लोग प्रोत्साहन राशि भी काम कर रहे हैं, बकाया मानदेय जो आया है 37 महीना का वो भी कार्यपालक अभियंता जो है से जलसहिया के साथ सौतेला व्यवहार किए, जो आधी लोगों को दिए हैं वो आधे लोगों को नहीं दिए हैं पैसा अभी। जो जलसहिया पूरे गर्मी बरसात को देखते हुए उनका जो जल जीवन पर जो काम होता है वो करती हैं, स्वच्छता अभियान पे काम करती है, आज वही लाचार हैं, अपने वेतन को मांग रही हैं और उपायुक्त के कार्यालय तक पहुँचे हैं आवेदन लेकर के कि हमें दिलाई जाए। मैं PhD विभाग के जो कार्यपाल का अभियंता है उन पर जो ये सवाल कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप उचित तरीके से इस पर जाँच पड़ताल करके इनको जो मानदेय राशि और जाँच क्या करनी है, जब सरकार ने आपको लेटर ऑथोराइज़ किया है 2 फरवरी को ही ये लेटर आया हुआ है कि कम से कम पूरे झारखंड की जो सहिया है जलसहिया है उनका जो मानदेय है वो रिलीज किया जाए। अब देखना ये है कि इस खबर का असर उन अधिकारियों तक पहुंचता है या नहीं, या फिर इनका अब अगला कदम क्या होगा। लगातार यूँ हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।